हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजू एजुकेशन पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युतिक सहायक सामग्री। इससे पहले हम चार पाँच टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं आपको, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है सभी के अंदर और पूरा निचोड़ बताया गया है पूरे चैप्टरों का। तो जिस बिगिनर ने अभी तक पिछले क्लासेस नहीं देखी है इसी तरह की, तो देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वैद्युतिक सहायक सामग्री, अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। जो कैंडिडेट्स IIT कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये क्लासेस। हाँ तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भवन में विद्युत शक्ति की जो आपूर्ति हेतु कहाँ से विद्युत संयोजन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा मेन इलेक्ट्रिकल लाइन से ही, यानी मुख्य वैद्युतिक लाइन से ही किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है भवन में विद्युत का उपयोग करने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा परिपथ एवं वैद्युतिक सहायक सामग्रियों का। एक तो सर्किट होना ज़रूरी है और वैद्युतिक सहायक सामग्री भी होना ज़रूरी है, स्विच सॉकेट वगैरह ये और वैद्युतिक तार वगैरह। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अब बात आती है विद्युत धारा प्रवाह के लिए जो तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसी को परिपथ बोलते हैं या सर्किट बोलते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद मार्ग, यानी एकदम बंद होता है यानी धारा का प्रवाहित होता रहता है, और खुला मार्ग कौन सा होता है जिसमें मतलब बीच में स्विच लगा दिया और स्विच बंद पड़ा है, इसका मतलब ये खुला है बीच में से। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब आ जाती है किसी वैद्युतिक परिपथ के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सप्लाई स्रोत, सुरक्षा युक्ति होनी चाहिए यानी MCB या फ्यूज वगैरह, और नियंत्रक युक्ति होनी चाहिए यानी कंट्रोल करने वाली युक्तियाँ, उपभोक्ता युक्ति होनी चाहिए और चालक युक्ति होनी चाहिए, यानी इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। अब बात आती है जिस परिपथ में या जिस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस परिपथ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बंद परिपथ, यानी जिस परिपथ में से धारा का प्रवाह बना रहे तो उस सर्किट को हमेशा क्लोज्ड सर्किट या बंद परिपथ बोलते हैं। समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। अब बात आते हैं बंद परिपथ का कोई एक उदाहरण बताइए। तो बंद परिपथ का एक उदाहरण कौन सा है, यानी जलता हुआ बल्ब या जलते हुए बल्ब का जो सर्किट होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो प्रवाह है विद्युत धारा का वो बन रहा है तभी वो बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब इसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है, जलते हुए बल्ब का परिपथ बंद परिपथ का उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो और उसका प्रतिरोध अनंत हो तो उस परिपथ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। जैसे मान लो हमने स्विच बंद कर रखा है, आगे कोई उपकरण चल नहीं रहा है, तो वह एक प्रकार से ओपन सर्किट का उदाहरण है, यानी उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या अनंत है। अनंत है तभी तो उसके अंदर प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको कौन सा परिपथ बोलेंगे, खुला परिपथ। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है किस अवस्था में परिपथ में शॉर्ट सर्किट होकर फ्यूज उड़ जाता है, यानी फ्यूज क्यों उड़ता है या किस अवस्था में उड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ध्यान से देखिएगा, यदि किसी परिपथ में, यदि कोई सर्किट में या परिपथ में फेज तार न्यूट्रल अथवा अर्थ के संपर्क में आ जाने पर या आ जाता है, तब परिपथ का फ्यूज उड़कर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है और ऐसा परिपथ शॉर्ट सर्किट कहलाता है। यानी या तो जो फेज तार है वो न्यूट्रल तार के संपर्क में आ जाएगा या न्यूट्रल तार फेज तार के, यानी दोनों में से दोनों तार एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, या अर्थ तार भी इनके संपर्क में आ जाता है, तभी क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि उसमें से धारा का मान अनंत हो जाएगा, इसी वजह से फ्यूज जल्दी से पिघल जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा का कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति में नहीं पहुंच पाता है तब इस प्रकार का परिपथ क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको लीकेज परिपथ बोलते हैं,
यानी धारा लीक हो रही है बीच में से, पूरी धारा आगे पहुंच नहीं पा रही है। समझे आगे होगा उसी को, यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा का जो कुछ अंश उपभोक्ता युक्ति में नहीं पहुंच पाता है, तो इस प्रकार का परिपथ क्या कहलाता है, तो उसे लीकेज परिपथ बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है लीकेज परिपथ में विद्युत धारा के लीक होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है, क्योंकि परिपथ में फेज तार का उपकरण की बॉडी के साथ, नम दीवार या कंड्यूट पाइप के साथ, या अर्थ लाइन अथवा न्यूट्रल लाइन से स्पर्श होना लीकेज सर्किट कहलाता है, या धारा लीक होने का कारण हो सकता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसे मान लो एक फ्रिज है या एक कूलर मान लीजिए, तो वो कूलर चल रहा है, लेकिन जो फेज तार है वो उसकी बॉडी के साथ टच है, और उसकी बॉडी क्या है, अर्थिंग की गई है, यानी अर्थ से कांटेक्ट की गई है। इसका मतलब धारा का जो कुछ अंश है वो बॉडी में से होता हुआ अर्थिंग में चला जाएगा या जमीन में चला जाएगा, यानी उसी को लीकेज बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। अब बात आती है अलार्म या विद्युत घंटी परिपथ में प्रयोग होने वाली आवश्यक जो सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों एक तो पुश बटन होना जरूरी है, एक विद्युत घंटी का होना जरूरी है, और वायरिंग का होना जरूरी है, यानी ये तीन चीज़ें होगी तो हम विद्युत घंटी को स्थापित कर सकते हैं या उसकी स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। अब बात आती है लैंप परिपथ के लिए, जो लैंप परिपथ है उसके लिए किस प्रकार की स्विच की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसके लिए सिंगल पोल वाला स्विच होना जरूरी है, सिंगल पोल स्विच जो कि हम घरों में ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अब बात आती है सीलिंग फैन परिपथ के लिए, या सीलिंग फैन परिपथ मान लीजिए, तो उसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री बताइए, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एक सिंगल पोल स्विच, यानी एक तो सिंगल पोल स्विच होना चाहिए या वन वे स्विच, या एक फैन रेगुलेटर होना चाहिए यानी पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, एक सीलिंग रोज होना चाहिए यानी पंखे को सप्लाई देने के लिए, और अन्य वायरिंग सामग्री भी होना जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। इसका आंसर यानी सॉकेट परिपथ में सॉकेट के तीनों पिनों के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बीच वाला जो मोटा पिन होता है वो अर्थ के होना जरूरी है, और जो बायां पिन है वो हमेशा फेज पिन तथा दायां पिन न्यूट्रल पिन होना चाहिए। चलिए मैं आपको सॉकेट बना के दिखाता हूँ, यानी ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यानी उसको उल्टा किया गया है, यह बड़ा पिन है, ये छोटा पिन हो गया, ये पिन हो गया, यानी फेज तार तो ये होगा, ये न्यूट्रल होगा और ये अर्थ होगा। समझे आगे होगा, यानी बीच वाला जो मोटा पिन है वो किसका है, वो तो अर्थिंग का है, और जो बायां पिन है वो किसका है, फेज का है, यानी बायां पिन कौन सा होगा, बायां पिन हो गया ये, समझे आगे होगा आपसी को, यानी फेज का। अगर इसके सामने जाएंगे हम सॉकेट को उल्टा करेंगे, फिर दायां पिन होना जरूरी है, समझे आगे होगा आपसी को, यानी उल्टा हो जाता है सिस्टम। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर। अब बात आती है जीने का परिपथ बनाने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है, जीने का परिपथ बनाने के लिए किस प्रकार का स्विच होना जरूरी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू वे स्विच, या पेड़ियों की वायरिंग जिसको जीने का परिपथ बोलते हैं, या स्टेयर केस वायरिंग बोलते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर। यानी एक लैंप को तीन स्थानों से नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है, तो उसके लिए आपको दो तो टू वे स्विच होना जरूरी है। अगर आपको दो स्थानों से कंट्रोल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो टू वे स्विचों की आवश्यकता होगी, अगर आपको तीन स्थानों से कंट्रोल करना है तो आपको दो टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच की जरूरत होगी, अगर आपको चार स्थानों से कंट्रोल करना है तो आपको दो टू वे स्विच दो इंटरमीडिएट, अगर आपको पाँच स्थानों से कंट्रोल करना है तो आपको दो टू वे स्विच और तीन इंटरमीडिएट स्विच, यानी इस प्रकार के स्विचों की आपको आवश्यकता होगी, और एक लैंप होल्डर की, यानी उसके अंदर लैंप भी लगा हुआ होना चाहिए, और वायरिंग, यानी इन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप एक लैंप को तीन स्थानों से कंट्रोल कर रहे हैं तो। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर। अब बात आती है ट्यूबलाइट परिपथ का निर्माण करने के लिए किन की आवश्यकता होती है,
यानी ट्यूबलाइट परिपथ का निर्माण करने के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल पोल स्विच, एक ट्यूबलाइट स्टार्टर होना जरूरी है, एक चौक होना जरूरी है, और दो ट्यूबलाइट होल्डर होना जरूरी है, और एक स्टार्टर होल्डर होना जरूरी है, और एक बेस यानी उसका आधार और अन्य वायरिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक चौक युक्त ट्यूबलाइट परिवर्तन में स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आगे होगा आप सभी को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए ये, यानी ट्यूबलाइट परिपथ का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर आपको ट्यूबलाइट को स्थापित करना है तो उसके लिए आपको एक तो सिंगल पोल स्विच की जरूरत पड़ेगी, उसको चालू करने के लिए ट्यूबलाइट स्टार्टर होना जरूरी है, धारा को कंट्रोल करने के लिए चौक होना जरूरी है, दो ट्यूब होल्डर होना जरूरी है, और एक स्टार्टर होल्डर होना जरूरी है, और एक बेस उसका आधार और अन्य वायरिंग सामग्री। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। अब बात आती है मास्टर स्विच का क्या कार्य होता है, मास्टर स्विच का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कई घरेलू वैद्युतिक उपकरण जो कि अपने अपने स्विच से नियंत्रित होते हैं और उन सब के एक साथ नियंत्रण के लिए एक स्विच और लगा दिया जाता है जो कि मास्टर स्विच कहलाता है। समझिए आगे होगा आपसी को, यानी जो हॉस्टलों के अंदर वायरिंग की जाती है उसके अंदर मास्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पे ऑफिस वगैरह होते हैं, होता है मेन ऑफिस तो जो स्टाफ का, तो उसके अंदर मास्टर स्विच उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि अगर उस स्विच को दबाएंगे तो जो सभी रूम्स हैं हॉस्टल के अंदर जितने भी, तो सभी के अंदर बिजली चालू हो जाएगी या जो बल्ब है वो जलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो अंदर छात्र वगैरह होते हैं तो वहाँ से अगर वो बल्ब को बंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी बंद नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि एक मास्टर स्विच लगा दिया जाता है और जो सभी रूम्स होते हैं उनके अंदर सिंगल वे स्विच की जगह पे, जो वन वे स्विच की जगह पे टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं, यानी सभी रूम्स के अंदर टू वे स्विच लगे होते हैं और उनके जो नीचे वाली वायरिंग होती है उसको मास्टर स्विच से जोड़ दिया जाता है। यानी अगर आप मास्टर स्विच को ऑन करोगे तो सभी रूम्स की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, अगर आप मास्टर स्विच को ऑफ करोगे तो ये सभी रूम्स की जो लाइट है वो सिंगल पोल स्विच की तरह कार्य करने लगेगी, जैसा कि हम घरों में करते हैं उसी प्रकार से वो छात्र वहाँ से बंद भी कर सकते हैं चालू भी कर सकते हैं, इसीलिए मास्टर स्विच का उपयोग किया जाता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर। अब बात आती है पायलट परिपथ में किसको सीधे स्रोत से संयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है नियोन इंडिकेटर को, यानी बिजली का पता लगाने के लिए उसको डायरेक्ट स्थापित किया जाता है, नियोन इंडिकेटर। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। अब बात आती है किसी वैद्युतिक परिपथ में स्विच का क्या कार्य होता है, यानी स्विच का क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका आंसर जो है, स्विच विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक युक्ति है। तो यह विद्युत धारा के प्रवाह को प्रारंभ या समाप्त करती है, या तो यह विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है और यह चालू करता है, यानी यही कार्य होता है विद्युत परिपथ को तोड़ना या जोड़ना, यह किसका कार्य होता है? स्विच का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। अब बात आती है कार्य के आधार पर कोई चार प्रकार के स्विचों के नाम बताइए। तो दोस्तों कार्य के आधार पर चार प्रकार के स्विच होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया वन वे स्विच, कौन सा? वन वे स्विच। दूसरा हो गया पुश बटन स्विच, यानी अगर हम उसको दबाएंगे तभी लाइट या ऑन होगी, फैन वगैरह। और तीसरा हो गया टू वे स्विच। चौथा हो गया इंटरमीडिएट स्विच, यानी चार प्रकार के स्विच बता रखे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर। अब बात आती है इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल्स होते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, कई जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे मात खा जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट स्विच के अंदर हमेशा 6 ध्रुव होते हैं, जिनमें 2 ध्रुव या 2 टर्मिनल तथा 4 संयोजक टर्मिनल होते हैं, यानी जो 2 तो होंगे मुख्य सप्लाई के और 4 क्या होंगे? संयोजक टर्मिनल होंगे जो आगे सप्लाई को स्थानांतरित करते हैं। समझे आगे होगा आप सभी को, इंटरमीडिएट स्विच में 6 टर्मिनल होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। अब बात आती है पुश बटन स्विच कितने प्रकार के होते हैं, जो पुश बटन स्विच है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुश टू ऑन स्विच, यानी उसको दबाने पर ऑन होता है, एक होता है पुश टू ऑफ, यानी दबाने पर ऑफ होता है, उल्टा होता है सिस्टम दूसरे में। यानी एक तो स्विच इस प्रकार का होता है, अगर हम उस स्विच को दबाएंगे तो वह ऑन करेगा परिपथ को, या एक प्रकार का जो स्विच होता है अगर हम उसको दबाएंगे तो वो परिपथ को ऑफ कर देगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। अब बात आती है लिमिट स्विच किस प्रकार के स्विच का रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
पुश टू ऑफ, यानी उसको दबाने पर परिपथ को तोड़ता है या ऑफ करता है या बंद करता है। अगला हमारे क्वेश्चन है 25 नंबर। अब बात आती है आयरन क्लेड टू पोल स्विच या डबल पोल स्विच, ICDP। ICDP का पूरा नाम क्या होता है? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, तो उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों यह है सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा या जो देश धारा सप्लाई लाइन के मेन स्विच का कार्य करता है, या बड़ी जो मोटर होती है उनको चलाने या बंद करने के लिए काम में आता है, जो सिंगल फेज वाली होती है। समझें आगे होगा आप सभी को, यानी ICDP। इसके अंदर एक गियर लगा होता है और दो फ्यूज लगे होते हैं, एक न्यूट्रल का एक फेज का, और बाहर की ओर जो बॉक्स होता है वो आयरन क्लेड का होता है या लोहे का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर। अब बात आती है दो पोल आयरन क्लेड स्विच की कार्यकारी रेंज क्या होती है, यानी दो पोल आयरन क्लेड स्विच की कार्यकारी रेंज क्या होती है? तो दोस्तों ये स्विच होते हैं जो 15 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर के बीच में बनाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, कई बार इनकी रेंज भी पूछी जाती है। जो आयरन क्लेड या ICDP होते हैं, ICDP स्विच होते हैं, वो 15 एम्पियर से 200 एम्पियर के बीच में बनाए जाते हैं, और जिनका जो कार्यकारी वोल्टेज होती है 250 वोल्ट से 660 वोल्ट तक कार्य करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, 250 वोल्टेज से 600 वोल्टेज तक कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। अब बात आती है थ्री फेज एसी लाइन के लिए कौन से मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है, थ्री फेज एसी लाइन के लिए कौन से मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे किया जाता है ICTP, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, यानी इसमें तीन पोल होते हैं या तीन ध्रुव होते हैं, तीनों के तीनों फेज के होते हैं, यानी इसमें न्यूट्रल का अलग से स्विच या फ्यूज लगा हुआ नहीं होता है, यानी सिर्फ तीन ध्रुव होते हैं इसके अंदर, तीनों किसके होते हैं? तीनों फेज के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच थ्री फेज सप्लाई को काटने या उसको शुरू चालू करने के लिए या शुरू करने के लिए ICTP स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर। अब बात आती है नाइफ स्विच की, तो नाइफ स्विच कैसा होता है तथा इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यह है बिना आवरण वाला उच्च विद्युत धारा वहन क्षमता वाला स्विच होता है, जिसका उपयोग सब स्टेशन वितरण स्टेशन पर ही किया जाता है, यानी ज़्यादातर इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सब स्टेशन पे, और जो वितरण स्टेशन होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नाइफ स्विच एक प्रकार से यह चाकू की तरह ही होता है। समझिए आगे होगा आप सभी को, नाइफ स्विच। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर। अब बात आती है थ्रो नाइफ स्विच के प्रकार एवं वहन क्षमता आपको बतानी है, नाइफ स्विच के प्रकार और वहन क्षमता। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको उत्तर हो जाएगा ये स्विच सिंगल थ्रो, डबल थ्रो और तीन फेज प्रकार के होते हैं, यानी एक तो सिंगल पोल वाला होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए फेज को ही काटता है या उसको जोड़ता है, और डबल थ्रो मतलब फेज को भी काटेगा न्यूट्रल को भी काटेगा, डबल होते हैं इसमें लगे हुए नाइफ। और तीसरा हो गया तीन फेज वाला, यानी थ्री फेज लाइनों के अंदर तीनों फेजों को काटता है या उसको जोड़ता है। तो इन्हें 30 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर की विद्युत धारा वहन क्षमता में बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इनको कितनी वहन क्षमता में बनाया जाता है? 30 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर के बीच में बनाया जाता है, यानी इनका कार्यकारी जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो इतना होता है, 30 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर। अब बात आती है संरचना के आधार पर किन्हीं चार प्रकार के स्विचों के नाम बताइए। तो संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो चार प्रकार के स्विच होते हैं। पहला हो गया टम्बलर स्विच, दूसरा हो गया फ्लश टाइप स्विच, तीसरा हो गया टॉगल स्विच और चौथा हो गया स्लाइड स्विच। यानी आपको ध्यान रखना है इन चारों स्विचों के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर। अब बात आती है टॉगल स्विच कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है सिंगल पोल वन वे, सिंगल पोल टू वे और इंटरमीडिएट, तीन प्रकार के होते हैं टॉगल स्विच। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर। अब बात आती है रोटरी स्विच का प्रयोग किन में किया जाता है, रोटरी स्विच का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर जो है बिजली के पंखों में और कूलर में, स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए जो स्विच होते हैं उन्हीं को रोटरी स्विच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। अब बात आती है एयर सर्किट ब्रेकर या ACB
एसीबी का पूरा नाम क्या होता है? एयर सर्किट ब्रेकर। तथा ओसीबी का पूरा नाम क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। यानी एयर सर्किट ब्रेकर तथा ऑयल सर्किट ब्रेकर स्विच होते हैं, वो किस विद्युत वहन क्षमता तक कार्य कर सकते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत धारा प्रवाह की जो शक्ति होती है या क्षमता होती है वो हमेशा एयर सर्किट ब्रेकर की होती है और ऑयल सर्किट ब्रेकर की होती है। और इनकी कितनी होती है? 1000 एम्पियर से लेकर 33,000 एम्पियर के बीच में बनाए जाते हैं। यानी ये 1000 एम्पियर से लेकर 33,000 एम्पियर तक विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं अपने अंदर में से। समझे आगे होगा आप सभी को? यानी सबसे बड़े कार्यकारी जो विद्युत धारा प्रवाह होगा वो इन्हीं का होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर का। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर। अब बात आती है सॉकेट सामान्यतः किस क्षमता के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो 2 पिन वाले होते हैं वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट के होते हैं। जो 3 पिन वाले होते हैं या जो पावर वाले होते हैं वो हमेशा 15 एम्पियर 250 वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सॉकेट हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बोर्ड की सतह के ऊपर कसे जाने वाले और दूसरा होता है बोर्ड की सतह के अंदर कसे जाने वाले। अंदर कसे जाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बोर्ड के अंदर फिक्स हो जाते हैं। समझे आगे होगा आप सभी को? एक होता है बोर्ड की सतह के ऊपर, यानी उसके ऊपर बॉक्स सब बना हुआ होता है, कंप्लीट ही होता है, उसको सीधा बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। अब बात आती है सहचल विद्युतिक उपकरणों की जो मेन लीड होती है उसको सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको प्लग टॉप बोलते हैं। प्लग टॉप यानी जो कि हम सॉकेट के अंदर लगाते हैं, किसी वायरों को स्थापित करते हैं, तो जो यहाँ पे जो युक्ति लगाई जाती है उसको प्लग टॉप बोला जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है 37 नंबर। अब बात आती है मल्टी पिन सॉकेट किस लिए बनाए जाते हैं? मल्टी पिन वाले जो सॉकेट होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? मल्टी पिन वाले समझे आगे होगा आप सभी को। यानी सॉकेट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे वैद्युतिक इस प्रकार के होते हैं जिससे हम विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। यानी मल्टी पिने होती है, वहाँ पर 3-4 स्विचों को एक साथ लगा सकते हैं। यानी अस्थायी वैद्युतिक संयोजन के लिए इन सॉकेट्स का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर। बात आती है लैंप होल्डर का क्या कार्य होता है? लैंप होल्डर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों यह वैद्युतिक परिपथ में लैंप को संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी यह युक्तियाँ या जो ये लैंप होल्डर होते हैं ये लैंप को स्थापित करने के लिए या लैंप को जलाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन है 39 नंबर। अब बात आती है लैंप होल्डर के कोई 2 प्रकार बताइए। तो लैंप होल्डर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोनेट कैप लैंप होल्डर, एक होता है एडिशन स्क्रू वाला। यानी जो हम घरों में जो बल्ब वगैरह लगाते हैं जिनमें पिने होती है फंसाया जाता है तो उसको बोलते हैं बायोनेट कैप लैंप होल्डर। दूसरा हो गया एडिशन स्क्रू, यानी जिनको कसा जाता है, जैसे मान लो फ्रिज के अंदर जो बल्ब हम उपयोग में लेते हैं उसका हमेशा घुमाकर कसा जाता है, पेच की तरह का होता है उसका जो आवरण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर। अब बात आती है बायोनेट कैप लैंप होल्डर बनाने की कोई 4 आकार बताइए। तो ये 4 प्रकार से बनाया जाता है, एक पेडेंट होल्डर हो गया, दूसरा हो गया बैटन होल्डर, तीसरा हो गया एंगल होल्डर, चौथा हो गया ब्रैकेट होल्डर। यानी जो आकृति होती है इनके अलग अलग, कुछ हो गया पेडेंट होल्डर यानी जो जिसको हम अस्थायी होल्डर बोल सकते हैं, जिसको हम कहीं पर भी किसी वायर के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। एक हो गया बैटन होल्डर जिसको स्थापित किया जाता है सीधा बोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। एंगल होल्डर यानी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है एंगल की आकृति में होल्डर, समझे आगे होगा, यानी इसके अंदर बल्ब लगाया जाता है। और ब्रैकेट होल्डर हो गया, वो भी इसी प्रकार का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर। बात आती है एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग कितने वाट तक किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है 200 से लेकर 300 वाट के बीच में। यानी जो कसने वाला बल्ब होता है उसका उपयोग 200 से 300 वाट के बीच में किया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर। अब बात आती है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर में चूड़ीदार भाग पोर्सिलिन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वह अधिकतम तापमान को सहन कर सके, इसलिए जो घूमने वाला भाग या जो चूड़ी वाला भाग होता है उसको पोर्सिलिन का बनाया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है 43 नंबर। अब बात आती है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग 300 वाट से अधिक वाट वाले स्टूडियो हेडलाइट्स या फ्लड लाइट्स या फोक्सिंग आदि प्रकार के लैंपों के साथ प्रयोग में लिया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है 44 नंबर। अब आ जाती है फ्यूज़ किस
किस प्रकार की युक्ति है? तो दोस्तों फ्यूज एक प्रकार से सुरक्षा युक्ति होती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर, अब बताती है फ्यूज तार के रूप में किन धातु तारों को प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा टीन, लेड, मिश्र धातु तार, एल्यूमिनियम तार और टीन आलेपित तांबे का उपयोग करते हैं, यह तो आपको भी पता होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर, किन्हीं दो प्रकार के फ्यूज के नाम बताइए? तो एक होता है किटकैट फ्यूज, एक हो गया एचआरसी फ्यूज, यानी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, जो बड़ी क्षमता का होता है, बड़े कारखानों में या जो बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह होती है वहाँ पे एचआरसी फ्यूज का उपयोग किया जाता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। किटकैट फ्यूज जो कि हम घरों में उपयोग में लेते हैं, समझें आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, अब बात आती है किटकैट स्विच के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, एक होता है आधार और एक होता है टॉप या फ्यूज कैरियर, यानी आधार जिसको बोलते हैं जो कि बोल्ट के ऊपर कसा जाता है, और जो अस्थायी होता है जिसको हम इसके अंदर फिक्स करते हैं, जिसके अंदर वायरिंग या जो फ्यूज तार स्थापित की जाती है उसको बोलते हैं टॉप या फ्यूज तार, समझें आगे होगा आप सभी को। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर, किटकैट फ्यूजों की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों किटकैट जो फ्यूज होते हैं इनकी क्षमता 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं, यानी 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर के बीच में किटकैट फ्यूज बनाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 50 नंबर, अब बात आती है कार्टिज फ्यूज किस प्रकार का होता है तथा इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों यह पूर्णतः वायु रुद्ध या एयर टाइट प्रकार का होता है, यानी इसके अंदर वायु का प्रवाह नहीं हो पाता, और इसमें तांबा व टीन, यानी 63% तो तांबा होता है, 37% टीन होता है, तो इनकी मिश्र धातु का तार कांच अथवा पोर्सिलिन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है, समझिए आगे होगा आपसे को। आपने देखा होगा जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे होते हैं, या जो टीवी मान लीजिए या इन्वर्टर मान लीजिए, उनके अंदर एक फ्यूज लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा जो कांच का होता है, तो वही कार्टिज फ्यूज होता है, जिसके अंदर जो टिप होती है वो तो धातु की होती है, या तो एल्यूमिनियम की होगी या तांबे की होगी, और जिसके अंदर से एक पतला सा तार स्थापित कर दिया जाता है, पतला सा तार स्थापित किया जाता है, और उसको उस होल्डर में लगाने के बाद में फ्यूज के तरह काम में लिया जाता है, समझे आगे होगा आपसी को। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर, एचआरसी फ्यूज में तार के चारों ओर क्या भरा हुआ होता है? तो दोस्तों इसके अंदर अचालक चूर्ण भरा हुआ होता है। अगला हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर, एचआरसी फ्यूज की विद्युत धारा क्षमता कितनी होती है? ये ध्यान से देखिएगा, एचआरसी फ्यूज की जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है वो 30 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक होती है, यानी इनका उपयोग किया जाता है इतने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, एडॉप्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों एडॉप्टर में से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंगल एडॉप्टर, दूसरा होता है पैरेलल एडॉप्टर, यानी समांतर एडॉप्टर मान लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अधिक लोड वाले जो भवन होते हैं उनमें अनेक समांतर परिपथ बनाए जाते हैं, और प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग फ्यूज काम में लिया जाता है। सभी फ्यूजों को एक ही खोल के अंदर या एक ही डिब्बे में या एक ही बॉक्स में स्थापित कर दिया जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। तो समझ में आगे होगा आपसी को, यानी जब कोई मकान वगैरह बनाया जाता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा सभी रूम्स की अलग अलग एमसीबी काम में लेते हैं, तो उन सभी एमसीबी को जो जिस बॉक्स में लगाया जाता है उसी बॉक्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोला जाता है, जिसके अंदर सभी पूरे घर की एमसीबी वगैरह या पूरा लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर, अब बात आती है एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघुपथ, परिपथ, व्योजक या तोड़ने वाला या भंजन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ में जो लीकेज होता है या विद्युत का, तो उसको रोकने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ईएलसीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर।
तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप सभी को आज का यह है क्लास या आज की यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, या आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उनमें भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उस पर भी शेयर जरूर करना। अगर आप सभी को नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो अज्जो एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट लेके आएंगे इसी प्रकार से, जुड़े रहिएगा अंत तक। सभी टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जितने भी पूछे जाते हैं, जो कैंडिडेट्स ITI कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है ये क्लासेस, क्योंकि इनसे बार क्वेश्चन जाता ही नहीं है, क्योंकि पूरे चैप्टरों का निचोड़ बताया गया है इन वन लाइनर क्वेश्चनों के द्वारा, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाता है। ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आसानी से समझ में भी नहीं आ पाते, क्योंकि उनके अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना ही उनकी पूरी डिटेल हम लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। आपका भरोसा हमारा साथ।